नमस्कार, अभी मैं जयपुर के किशनपोल विधानसभा क्षेत्र से हूँ और किशनपोल विधानसभा कहा जाता है कि यहाँ पे संवेदनशील विधानसभा है। यहाँ पर बीजेपी से खड़े हैं चंद्रमोहन बटवारा जी और काजमी साहब यहाँ के एमएलए हैं कांग्रेस से। तो हम लोगों के इससे मिजाज जानते हैं लोगों से कि क्या इनका मिजाज है, क्या पब्लिक क्या कहती है कि अशोक गहलोत की सरकार रहनी चाहिए या फिर बीजेपी की सरकार राजस्थान में 5 साल के नियम के मुताबिक पलटनी चाहिए। क्या है जनता का मिजाज, लोगों से बारी बारी से जानते हैं। सर हो गया वोट? हाँ सर हो गया वोट। क्या चाह रहे हैं आप लोग, उद्देश्य क्या है, सरकार यही रहनी चाहिए या बदलनी चाहिए? बिल्कुल साहब, सरकार यही रहनी चाहिए, यही रहनी सरकार चाहिए। ने काम किया है गहलोत सरकार ने काम किया है गहलोत सरकार ने काम किया है जी जी। और हमारे क्षेत्र के विधायक जो है अमीन कागी साहब, इन्होंने बहुत काम किया है। हमने काम वोट दिया विकास को। अच्छा अच्छा, विकास को वोट दिया। जिसने काम किया उसको वोट देंगे। काम है तो वोट है, ना काम नहीं तो वोट नहीं है। मतलब सरकार ने काम किया है? बिल्कुल काम किया है। अच्छा, लोग कह रहे हैं, शुभ नाम आपका? जी, मेरा नाम रजा खान है। अच्छा खान साहब, लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बहुत राजस्थान में इस दौर में हुआ है। देखो जी, और बीजेपी के टाइम भ्रष्टाचार जरूर था, लेकिन कांग्रेस टाइम में कोई भ्रष्टाचार नहीं। क्राइम के लिए भी राजस्थान सबसे ज्यादा, मतलब आपके स्टेट में तो सबसे ज्यादा क्राइम में से है, निचले पायदान। बिल्कुल साहब, क्राइम था, लेकिन अशोक गहलोत टाइम पे कोई क्राइम नहीं है। नहीं हुआ, बीजेपी टाइम पे क्राइम था। और आज भी जो हिंदू मुस्लिम करते हैं वही क्राइम करते हैं, मुसलमान तो बहुत ही कोई क्राइम नहीं करता। नहीं क्राइम करता, बिल्कुल नहीं करता। जी, आपने भी दे दिया? हाँ, मैंने भी दे दिया, वोट दे दिया। हाँ, दे दिया। सरकार यही चाहिए, अशोक गहलोत को दिया सरकार, यही चाहिए। चिरंजीवी दे रहे 50 लाख का, वो चिरंजीवी बीमा दे रहे 50 लाख का, 25 का था 50 का दे रहे। जी साहब, जी साहब, मैंने कांग्रेस को वोट दिया, गहलोत सरकार चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं है, सांप्रदायिक सद्भाव है, सांप्रदायिक सद्भाव है, बिल्कुल है। लेकिन करप्शन बहुत ज्यादा और क्राइम के लिए तो सबसे आप बदनाम है आपका स्टेट। नहीं सर, वो बदनाम कर रखा, बदनाम है नहीं, इससे ज्यादा मणिपुर है, इससे ज्यादा मणिपुर है, मणिपुर में है, इससे ज्यादा क्राइम वहाँ है। दे दिया आपने वोट? वोट दे दिया। क्या है, क्या चाह रहे हैं आप लोग, गहलोत जी वापस रहे, यही सरकार रहे, यही सरकार जी? वोट दे के आया हूँ, वोट दे दिया। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा अहमदीन नाम है भाई साहब। अच्छा अच्छा, मैंने विकास के नाम पर वोट किया। हाँ। तो कांग्रेस सरकार ने जो काम किए, हाँ, जो चिरंजीवी योजना, हाँ, हम गरीब आदमी हॉस्पिटलों में जा नहीं सकते थे, इधर ऑटो पे लोट, हॉस्पिटलों के अंदर गए, हमारे इलाज हुए। मैं खुद हार्ट पेशेंट हूँ, मेरा इलाज फ्री में हुआ, वो अशोक गहलोत की देन है। बहुत अच्छा काम कर रही है राजस्थान सरकार। इन्होंने ये बोला हम 450 रुपये में सिलेंडर देंगे, तो पहले गुजरात में तो दे दो, गुजरात में तो नहीं दिया 450 में। अच्छा अच्छा, और दिल्ली है, दिल्ली क्यों जाता तुम अगर झूठ बोलते? झूठे हैं प्रधानमंत्री, झूठा है, झूठा प्रधानमंत्री, बिल्कुल झूठा है, एक नंबर का झूठा है प्रधानमंत्री। वोट दे दिया था वो? वोट नहीं दिया अभी, तो कब दोगे? अरे आप कमाई करोगे? अरे बाबू जी, उसमें लग रहे हैं हम अशोक गहलोत की सेवा में। किसके सेवा में? अशोक गहलोत की सेवा, अमीन काजमी की सेवा। अच्छा अच्छा अच्छा, आप वोट दे दिया आपने? जी मैं वोट, मैं यहाँ से हूँ नहीं, मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यहाँ अभी? यहाँ हम घूमने आए थे ना। अच्छा, घूमने आए थे। चाचा वोट दे दिया? वोट डालने हैं, डालने जा रहा हूँ। क्या उद्देश्य है चाचा? ये जो सरकार है अभी, हाँ, ये आनी चाहिए, ये आनी चाहिए, बहुत बढ़िया। बता रहे लोग कि क्राइम है बहुत ज्यादा अशोक गहलोत के राज में। क्राइम तो सब जगह ही है। हाँ, नहीं समझो तो हुकूमत के हाथ में ही है। अच्छा, नहीं समझे इसकी पैरवी करे, बाकी जो है क्राइम खानी है, बताओ सब जगह, सब जगह है। इसलिए क्या, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, इसने गरीबों का भी भला किया है, इसने समझे जनधन योजना वाला जो काम, और केंद्र की जो इतनी योजनाएं हैं, केंद्र की योजना जो मोदी ने कहा था कि 3-3 लाख उसमें डालेंगे खाते में महिलाओं के, 5 पैसे नहीं आए, तो क्या वादा तो पूरा मतलब हुई ना मोदी से? यहाँ मुसलमान बहुत नाराज है ना, मुसलमान बहुत नाराज है। 15-15 लाख की गई थी, उन्हें 3 लाख ही डाल देता, 1 लाख ही डाल देता, डाला ही नहीं। सरकार कैसे अपने अपनी जेब से थोड़ी देगी? नहीं भाई, हमने वादा किया था, जब खाते खुलवाए, जब वादा किया ना कि 15-15 लाख डालेंगे, 3-3 लाख डालेंगे, तो एक लाख ही डाल देते, 50 ही डाल देते। और इतना सारा जो काम हुआ, इतनी शानदार शानदार सड़कें बन गई आपकी, इतना पराठेजार जो ट्रेनें शानदार हुई, तो वो कहाँ से आया? बिल्कुल वो सेंटर ने किया, लेकिन फिर भी मतलब वोट जो है देना है कांग्रेस को ही, भले ही सब मोदी सरकार कुछ भी कितना भी बढ़िया करे। नहीं ऐसे नहीं, बढ़िया, हाँ, बढ़िया तो अगर करे तो, अगर 15 लाख डाल देते तो सारा वोट ही मोदी को जाता। अच्छा, 15 लाख की जगह 3 लाख भी डाल देते तो सारा वोट मोदी को जाता। तो कहीं, अच्छा चलिए,
लेकिन आप लोग ये कह रहे हैं कि वोट अशोक गहलोत को ही पड़ेगा, है ना? कांग्रेस को, कांग्रेस को ही, हर हाल यही काम किया है जी। यहाँ गहलोत जी ने अच्छा काम किया है, अच्छा काम, सब समस्या मिटाई। मगर गहलोत जी तो खुद ही कह रहे हैं कि कोई मिरेकल हो जाए तभी हम जीतेंगे। कांग्रेस खुद चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं आपके कि कोई मिरेकल हो जाए, मतलब खुद ही हताश है वो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या नाम है आपका? अरफूल। हाँ, अरफूल गढ़वाल। अरफूल जी गढ़वाल साहब, बताइए। देखिए, आपकी वोट आपका यहीं पे है? यहीं पे है। अच्छा, देखिए, परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। जब एक ही एक सरकार होती है तो वो तानाशाही होती है, इसलिए बार बार परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। और देखिए, कांग्रेस ने भी किया, लेकिन भारतीय जनता, कांग्रेस का शासन अच्छा नहीं रहा, इसलिए अब की बार भारतीय जनता पार्टी है वो दोबारा पूर्ण बहुमत से आ रही है सरकार। 110 से ऊपर प्लस हो रही है, 110 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सीटें आ रही है राजस्थान। आपका वोट यहाँ पे है, दे दिया आपने वोट, आपने वोट दे दिया। आप लोग चाह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए, मतलब अशोक गहलोत की सरकार नहीं रहनी चाहिए? हाँ, बदलाव होना जी। पोलिंग स्टेशन से ये स्टेटमेंट्स आप पोलिंग स्टेशन से हट कर के प्लीज। पोलिंग स्टेशन हटा हुए हैं चाचा? यू आर जस्ट नियर बाय द गेट। नहीं तो हम तो रिएक्शन ले रहे हैं, ये तो अधिकार है हमारा चाचा। यू हैव द योर राइट्स, यू हैव द योर राइट्स। आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? उनका एक नहीं हो रहा, इसीलिए आपको कोई भी ऑब्जेक्शन करेगा। राजस्थान में हमारे मुख्यमंत्री जी ने, गहलोत साहब ने वो काम करा है, और इतने साल में इतने मुख्यमंत्री बने, अच्छा, उन्होंने कभी नहीं करा। हमारे भैरू सिंह जी हो और भी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने कोई काम नहीं करा। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने वो काम करा है, उसको हम तन से और मन से निभाएंगे। अच्छा अच्छा, वो राजस्थान में काम करा गहलोत, ठीक है हमारे चाचा। हाँ चाचा, हाँ चाचा, बताइए। आपको ये प्रॉपर स्टेटमेंट तो दे सके? हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से वो भारत की जनता को झटके दिए ना, ऐसा प्रधानमंत्री हमने जीवन में ना तो कभी देखा, और हम ये दुआ करते हैं ना देखें। हमारे राजीव गांधी जी बने, इंदिरा गांधी बनी, उन्होंने कभी ऐसे झटके नहीं दिए। कभी GST का झटका देते हैं, कभी नोटबंदी का झटका देते हैं, कभी क्या का झटका देते हैं। ये भारत की जनता इतनी दुखी हो चुकी है झटकों से, और आज हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब ने 25 लाख की योजना चला रखी है इलाज की, वो झटके दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, और जनता को झटके लग लग के आज अस्पतालों में भर्ती होकर कोई के अटैक आता है, कोई के क्या हो रहा है, कोई के कैंसर हो रहा है, कोई के क्या हो रहा है। ये भारत के प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए, ऐसे झटके नहीं देने चाहिए। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक, बहुत बढ़िया। बताइए, क्यों नहीं लेंगे? क्या शुभ नाम बताइए? शहजाद नाम है मेरा। शहजाद भाई बताइए। ऐसा है भाई साहब, आप जो भी जानना चाहो खुल के पूछ लीजिए, मैं बता देता हूँ। आपने वोट दे दिया राजस्थान में? जो जितना काम हुआ ना, वोट आपने दे दिया? वोट दे दिया। अच्छा अच्छा, हाँ बताइए। राजस्थान में जितना काम हुआ ना, हिंदुस्तान में कहीं भी ऐसा काम नहीं है जो राजस्थान में काम हुआ है। सबकी बातें सुनिए, आपके यहाँ सबसे ज्यादा पेट्रोल महंगा है, आपकी सरकार कहती है कि पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, कम से कम राजस्थान में तो बढ़िया होता। हम अभी दिल्ली से आए, सबसे महंगा, मतलब जब भी पेट्रोल भरा तो लगा जैसे पसीना छूटने लगा। महाराष्ट्र में महंगा नहीं है? महाराष्ट्र में नहीं है, MP में नहीं है। आपकी तरह का थोड़ी महंगा है? नहीं, इतना महंगा है नहीं, महंगा यूपी में, MP में। 110 रुपये लीटर महाराष्ट्र में है सर, 105 रुपये लीटर MP के अंदर है, जहाँ बीजेपी गवर्नमेंट है। आप लोग पेट्रोल से 110 पेट्रोल पेट्रोल सर, पेट्रोल वेट्रोल की बात नहीं है सर। जो गरीब को मिलना चाहिए वो मिल रहा है राजस्थान में। गवर्नमेंट दे रही है, खूब खुल के दे रही है, बहुत मस्ती से दे रही है वो। और क्राइम ठीक है? क्राइम ठीक है? हाँ क्राइम, बताइए। नहीं नहीं, मैं एक आपसे पूछ रहा हूं। आप गिनाइए, आप क्राइम का नाम तो आप ले रहे हो, बीजेपी ले रही है, बीजेपी ले रही है, आप ले रहे हो, हम तो नहीं ले रहे, हम तो बहुत खुशहाली से रह रहे हैं। पेट्रोल पे क्यों जा रहे हैं? ओवरऑल वर्क पे जाइए ना आप। Why you select the particular one part? पेट्रोल के अलावा और कोई मुद्दा भी नहीं लेगा। अच्छा अच्छा, सारी चीजों का एक ही हल है, चिरंजीव भी 25 लाख रुपए, 50 लाख को 50 लाख, उसके पीछे क्या है वो योजना? योजना बीमार के लिए 25 लाख से 50 लाख कर दिया, और 10 लाख का बीमा दुर्घटना का। 25 लाख में आपकी बॉडी का कोई पार्ट हो, कोई भी पार्ट, इतनी बड़ी बीमारी हो, उसका पूरा इलाज फ्री है सर, पूरा इलाज फ्री ऑल ओवर इंडिया में, कहीं नहीं राजस्थान को छोड़ करके। अच्छा एक चीज बताइए, ये चूंकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है जैसा मुझे बताया गया, एक मिनट चाचा जी, तो ये जो इतनी, मैं से ही पूछ रहा हूँ, ये जो इतनी योजनाएं हैं, जैसे जनधन योजना पहुंची, शौचालय पहुंचा है, तो क्या
ऐसा लगा कि राजस्थान को उसका लाभ मिला है कि नहीं केंद्र की सरकार का? पूरा केंद्र की योजना का केंद्र का कोई लाभ नहीं मिला, राजस्थान गवर्नमेंट का लाभ मिला है। अच्छा, मतलब राजस्थान की सरकार ने केंद्र की योजनाओं का लाभ आप लोगों को नहीं लेने दिया था? जैसे क्योंकि पूरे पूरे देश में जो उज्ज्वला हुई है, पूरे देश में जो शौचालय बना है, तो मुस्लिम महिलाओं को भी मिला होगा? कुछ नहीं मिला, हमें नहीं मिला। राजस्थान की सरकार ने आप लोगों को देने नहीं दिया? नहीं, पूरे देश को मिला, पूरे देश को मिला है, आप लोगों को नहीं मिला? वो जो चीजें दे रहे हैं उससे डबल तो राजस्थान गवर्नमेंट दे रही है, तो उधर क्यों जाएंगे हम? अच्छा, वो तो 25 लाख गवर्नमेंट दे रही है, राजस्थान गवर्नमेंट 25 लाख दे रही है, 25 के 50 कर लिए। वो तो एक सराहनीय वाली चीजें भी तो है गवर्नमेंट की, वो तो सरा सकते हैं ना। अच्छा अच्छा, हाँ, क्या वो बीजेपी दे इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से ना भेदभाव हुआ है राजस्थान के साथ? अच्छा, जैसे कोई भी जैसे कुछ केंद्र की योजना यहाँ लागू नहीं होने दिया गया? केंद्र के लागू नहीं होने दिया कि उन्होंने दिया ही नहीं राजस्थान को, बोले कि यहाँ कांग्रेस की सरकार है, बोले मेरी बात सुनो, मोदी को ये क्यों बोलना पड़ेगा? ये जितनी भी स्कीमें गहलोत ने चालू करी ना, ये बंद नहीं करेंगे, चलती रहेगी। अच्छा, क्यों बोला? इसलिए तो बोलेगा पूरे इंडिया में राजस्थान सबसे भारी पड़ रहा है। गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, आप ईडी भेज रहे हो यार एक सीएम के ऊपर? आप भी कुछ बोलेंगे? सीएम है, क्या शुभ नाम है आपका? सीएम है वो भी तो, आप ही का सीएम है? बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया गवर्नमेंट का तो सीएम है वो भी तो, इंडिया गवर्नमेंट के पास। लाल डायरी वाला क्या? लाल डायरी तो इनकी भी तो खुलेगी जब वक्त आएगा, लाल डायरी बीजेपी की भी खुलेगी, लाल डायरी सेंटर के लोगों की भी खुलेगी, लाल डायरी जो अडवाणी के साथ है उनकी भी खुलेगी, वक्त करीब है वो। अच्छा। अनकरीब 24 का इंतजार कीजिए आप, 24 का उनकी बहुत अच्छी अच्छी लाल डायरियां खुलने वाली है, बहुत सारा इनके पास कोई सवाल कोई जवाब नहीं है, लाल डायरी उठा के लिया है। एक बात बताइए, लाल डायरी में क्या है? अगर लाल डायरी एक पीएम हिंदुस्तान का उसको शोभा देता है इस तरह की बातें करना? हमारे पीएम है वो रेस्पेक्टेड है, हमारे नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी हमारे रेस्पेक्टेड है, वो मंच पर खड़े होकर इस तरह की बातें कर रहे जो नहीं करनी चाहिए, उनको शोभा नहीं देती। लाल डायरी तो हर व्यापारी की दुकान पे मिलेगी भाई, खाता होता है लाल डायरी तो हर दुकानदार के पास, मोदी जी घर पे भी रखी हुई लाल डायरी तो। लाल डायरी से आपके गहलोत साहब का पसीना छूट रहा है, जो पत्रकार जो ही पूछते हैं। पसीना छुड़वा दिया, मोदी जी को बुला लिया रोड शो करने, गहलोत साहब ने यहाँ बुला लिया सर का पसीना छुटा दिया। व्यापारी परेशान थे, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इलियास है। अच्छा इलियास भाई, हाँ बताइए। सारे व्यापारी बोले धंधा खराब हो गया हमारा। अच्छा अच्छा, पूरा मार्केट बंद हो गया। वोट दिया युवा हो? यस दिया बेटा। क्या नाम है? मोहसिन खान। मोहसिन खान, क्या मोहसिन, क्या किस आधार पे वोट दिए? मैं पार्टी नहीं पूछ रहा हूँ, पार्टी नहीं बताओगे? हाँ, किस आधार पे, क्या सोच के वोट किए? एएम पार्टी को वोट दिया। बहुत बढ़िया, चलो। हाँ each to other supports na, don't take it otherwise। लाल डायरी काली डायरी हिंदुस्तान को बेचने में लगे हैं। आपने दे दिया वोट? क्या रहा मुद्दा? मुद्दा देखिए, राजस्थान गवर्नमेंट ने एक तो सबसे पहले विकलांगों के लिए इतनी अच्छी चीज की, सबको स्कूटी योजना में डाला, हर साल 5,000 स्कूटी योजनाएं दे रहे हैं। हमारे अमीन काग जी विधायक साहब है, जिन्होंने आपके खुद के कोटे से हमें एक विकलांग स्कूटी, बहुत लोग बोल रहे हैं आईएमएम को वोट दिया तो फिर काजमी साहब का तो झटका लग जाएगा बहुत, 20,000 नहीं तो ये ओवैसी साहब, ओवैसी साहब मदद करने आए हैं यहाँ पे या फिर काटने आए हैं? बीजेपी का बी पार्ट है ओवैसी साहब, बीजेपी का बी पार्ट है सर, कोई बात नहीं, हम ले रहे हैं ना, बीजेपी का बी पार्ट है वो तो पूरा अच्छा चुनी है। 199 सीटें बीजेपी, इन्होंने 199 खड़ा किया, तो काजमी साहब को तो डर लग रहा होगा ओवैसी से, ओवैसी से डरते, हम तो अपर वाले डरते हैं, क्यों नहीं खड़ा किया 199 खड़ा करते हैं ना आप? आप 4 सीटों पे क्यों खड़ा करो राजस्थान में? क्या आप तेलंगाना में तो 9 पे लड़ रहे हो और राजस्थान में 4 पे लड़ रहे हो? क्यों लड़ रहे हो आप? वहाँ लड़ो ना पूरी वजह आपकी जगह, यहाँ क्यों लड़ रहे हो 4 पे? आप कौन सी बात कर रहे हो? आप क्या क्या मामला है यहाँ पे आपका, क्यों आ रहे हो आप यहाँ पे? अच्छा 199 सीटें पे लड़ते हैं ना आप? नहीं मगर मगर तेलंगाना में तो कहा है कांग्रेस के साथ खड़े हैं हम, तेलंगाना में तो वो लोग कह रहे हैं हम कांग्रेस पार्टी है, आपकी नेशनल पार्टी है। अच्छा, अच्छा। तेलंगाना में लड़ते ना सर, अपने घर में कुछ नहीं कर रहे हो, बाहर आके आग लगा रहे हो, ये गलत चीज है सर, ये गलत चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए सर। अच्छे काम करने वाली गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए सर, कांग्रेस बहुत अच्छा काम कर रही है राजस्थान में और आगे भी करने वाली है, रिपीट हो रही है सर, आप लिख के ले जाओ, मेरा नंबर भी ले जाओ। क्या नाम है, शुभ नाम आपका? मेरा तो शहजाद खान है सर, रिपीट हो रहे हैं हम, 100% रिपीट हो रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं सर इस बात को, रिपीट हो रहे हैं। चलिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो सोनू आजा, कहाँ है वो वोट आपका? मेरा वोट है खंडेलवाल स्कूल में। इसमें नहीं है? नहीं मैं इधर से तो जा रहा हूँ। अच्छा यहाँ से जा रहे हैं, कहाँ पे? खंडेलवाल स्कूल में। क्या है माहौल है राजस्थान में? राजस्थान में माहौल एक ही तरफ है, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय ये पोल ये तो पूरा 100% जा रहा है आपके हाथ से ही वाला ये विधानसभा? देखो ये सोच का फर्क है,
सोच का फर्क है? सोच का फर्क है हाँ। मतलब मुसलमान 100% जो है बीजेपी के खिलाफ है, चाहे केंद्र की कोई भी योजना की? 100% नहीं, जैसे मैं भी मुस्लिम हूँ। आप तो मुस्लिम हैं? जी हाँ। अच्छा, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है सय्यूम अली गोरी। सय्यूम अली गोरी? सय्यूम अली गोरी। अच्छा सय्यूम अली साहब, मगर मुझे लगभग 90% क्या 100% ने मुस्लिम, चूंकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है ये। देखिए मुस्लिम बहुल क्षेत्र है हाँ। लेकिन वोट एक गुप्त होता है, गुप्त मतदान है ना। अब उसमें कौन किसको देकर आ रहा है ये तो आने वाली 3 तारीख को मालूम चलेगा। तो मुसलमान खुश हैं बीजेपी से? इतनी सारी जो योजनाएं केंद्र की आई है, फिर भी लोग नाराज़ हैं, मुस्लिम के नाराज़ हैं यहाँ पे? देखिए जो नाराज़ हैं वो अलग, एक उनका अलग सोच है, लेकिन बीजेपी अपने देश के बारे में सोचती है, आपके बारे में सोचती है, एक व्यक्ति विशेष के बारे में ही सोचती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी एक ही चीज़ बोलती है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। विश्वास करके देखो। आप कार्यकर्ता हैं? कार्यकर्ता हैं आप? मैं तो एक आम नागरिक हूँ साहब। नहीं, पूरा पट्टा आपने बांध लगा रखा है भगवा और ये पूरा सोचने की वाली बात है हाँ। भगवा नहीं है ये, भगवा है हाँ। अरे हिंदू भाई, बीजेपी का देखिए हिंदू भाई बोलता है भगवा है हाँ। तो मुसलमान भी तो इसी कलर को प्यार करता है, मुसलमान भी सब कलर को प्यार करता है। तो सूर्य का रंग है, तो सूर्य का रंग, ये तो सूर्य का रंग है। अपन ने क्या धार्मिक रंग दे दिया? अच्छा हाँ पंडित जी, क्या कह रहे हैं आप? ये इसको धार्मिक रंग देना गलत है। अच्छा अच्छा, आप इसी मंदिर के पुजारी हैं आप? हाँ, इसी मंदिर के बुलावा, ये जालुपुरा चौराहा है हाँ। ये संवेदनशील एरिया है, बाकी जो जनता की सोच है वो सोच है। जो जनता जिताएगी वही। मतलब संवेदनशील एरिया क्यों कहते हैं? इसीलिए क्योंकि मुस्लिम बोल होता है तो संवेदनशील हो जाता है। सर ये एक बात सुनिए, ये इलाका है मुस्लिम इलाका है ना, कांग्रेस ही ने आके कौन सा काम करवा दिया? भारतीय जनता पार्टी खूब काम करवाती है और अपने हाथों से लाखों रुपए करोड़ों रुपए लगाती है, फिर जब वो नहीं आता। चलिए क्या शुभ नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। अच्छा सलीम भाई, वोटिंग हो गई आपकी? नहीं सर, अब डालेंगे। क्या मिजाज है वोट का? मिजाज तो सर मेरा अधिकार है, मैं बता नहीं सकता इसको। अच्छा नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं बताना चाहिए आपको, लेकिन फिर भी राजस्थान परिवर्तन मांग रहा है या फिर? सर राजस्थान तो परिवर्तन तो मांग नहीं रहा, नहीं मांग रहा है। यहाँ के सीएम साहब ने अच्छा है, अच्छा काम किया है, काम किया, अच्छे अच्छी घोषणाएं की है। अच्छा ये जो जमीन देख रहा हूँ कि अब ये हाई कोर्ट का स्टे क्यों लिखा हुआ है इस जमीन पे? सभी राजस्थान बोर्ड की, राजस्थान बोर्ड की जमीन है ये। तो इसमें वक्फ अपना कब्जा जा चाह रहा है क्या? वक्फ का कब्जा था पुराना, तो उस वक्त किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो क्वार्टर बन चुके थे यहाँ। हाँ, यहाँ क्वार्टर बन चुके थे, हटा दिए गए सर? हटा दिए गवर्नमेंट ने। तो अभी जब बातचीत हुई तो पता चला बोर्ड का स्टे लगा दिया, ये स्टे लगा हुआ है इसमें, गवर्नमेंट अपने कब्जे में लेना चाह रही थी इसलिए स्टे लग गया। अच्छा, अब आगे क्या होगा वो कार्रवाई देखिए। अच्छा अच्छा, और ये मंदिर बता रहा है 300 साल पुराना है करीब? इतना तो नहीं मगर है पुराना काफी, पुराना काफी, इतना नहीं है पुराना, पुराना 292 ईयर ओल्ड। बताइए पंडित जी, इतना पुराना मंदिर और आपकी सरकार जो है इस मंदिर का कुछ भी नहीं कर रही है, मतलब 350 साल पुराना, जरा दिखाइए जी, तो ऊपर देखिए, ये रुकमा शक्ति मंदिर चैरिटीज ट्रस्ट अधिनियम 1959 के अधीन पंजीकृत ट्रस्ट, 72 दिनांक ट्रस्ट बना हुआ है। अच्छा ट्रस्ट भी बना हुआ है बाकायदा, दिल्ली बम्बई कलकत्ता सब है इसके श्रद्धालु। इतनी पुरानी मंदिर की ये स्थिति है, लग रहा है कि पूरा जमीन कब्जे कर दे, ये भी कुछ दिन बाद ये भी खाली करना पड़ेगा आपको, पता नहीं ये तो है ये यही है, यहाँ आगे पीछे नहीं हुआ बिल्कुल। अच्छा। जयपुर बसने से पहले का है ये, जयपुर बसने से पहले का है, तो फिर इतना ऐतिहासिक मंदिर है तो लोग आते नहीं है पूजा करने यहाँ पे? आते हैं, गिनती के आते हैं बस, आजकल यही है। मतलब जो ऐतिहासिक मंदिर हो वहाँ तो ज्यादा भीड़ होती है? बिल्कुल है, ऐतिहासिक है, पुरानी, इतनी पुरानी मंदिर है, इससे तो रोजगार का बड़ा साधन होना चाहिए था ये। बिल्कुल ठीक है जो भी, चलिए ये स्थिति, कुछ एरिया है कुछ उसकी वजह से भाई, वो मानने वाले इस एरिया में नहीं इतने बस। अच्छा 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 अच्छा, तो हमने आपको बताया राजस्थान की राजधानी जयपुर में किशन पोल की विधानसभा क्षेत्र की का मिजाज, मुस्लिम बहुल इलाका है, बताया जा रहा है कि 50-55% मुस्लिम बहुल इलाका है, और यहाँ की जनता ने आपको अपना मिजाज बता दिया। अब आपको तय करना है कि राजस्थान का मिजाज क्या करता कहता है। बहुत बहुत धन्यवाद।